जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्लांट किंगडम। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दो टाइप का अपने को देखने को मिलता है, एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और एक नेचुरल वाला। आर्टिफिशियल किसने दिया था? लिनियस अंकल ने दिया था, और नेचुरल वाला बेंथम एंड हुकर ने दिया था। ठीक है, अब आप पूछो इनमें से अच्छा कौन था, तो नेचुरल वाला ज्यादा अच्छा था क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फीचर भी देखे गए थे, इंटरनल भी देखे गए थे, जबकि आर्टिफिशियल वाले में ओनली एक्सटर्नल यानी वेजिटेटिव करेक्टर को इंपोर्टेंस दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट फाइलोजेनिक। देखो जहां पे ये वर्ड आ जाए ना, जहां पे वर्ड आ जाए फाइलोजेनी, मतलब उनके पूर्वजों का हम बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं, यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख रहे हैं, और फाइलोजेनी में हम इवोल्यूशनरी देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा बढ़िया है, तो यही वाला एक्सेप्ट किया गया, अभी यही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। देखो न्यूमेरिकल नाम से पता लग रहा है इसमें नंबर्स का गेम है ना, नंबर्स का गेम है, नंबर कोड्स और ये सब का गेम है। साइटो, साइटो मतलब सेल होता है, सेल में क्या है, क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का बिहेवियर। कीमो, कीमो यानी केमिकल्स का खेल है, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट्स हो जाएंगे। और नेक्स्ट देखो ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट कैसा होगा? हैप्लोइड होगा। फीमेल गैमेट भी हैप्लोइड होगा, दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो जायगोट बन जाएगा, वो कैसा होगा? डिप्लोइड होगा। अब यहां पे है ना प्लांट्स की बात चल रही है, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स की बात चल रही है। अब दो पॉसिबिलिटी हमारे पास आई। पहली पॉसिबिलिटी आई कि इस जायगोट के अंदर क्या हो जाए, मियोसिस हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बोलती है, जायगोट के अंदर क्या हो जाए, माइटोसिस हो जाए। तो डायरेक्ट जायगोट के अंदर एक मियोसिस हो जाएगी, है ना, डिप्लोइड था जाइगोट, इसके अंदर म्यूसिस हो जाएगी, तो हैप्लोइड क्या बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा, और उसको क्या बोलते हैं हम, थैलोफाइटा तरीके से बोल देंगे। थैलोफाइटा क्यों बोल देंगे, है ना, क्योंकि उसमें रूट, स्टेम, लीव कुछ भी नहीं बनने हैं, डायरेक्ट म्यूसिस होगी, डायरेक्ट हैप्लोइड प्लांट बन चुका है। और अगर इसमें माइटोसिस होती है तो जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, अपना एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, इन प्लांट्स को हम एम्ब्रियो फाइटा बोल देंगे। ठीक है, अब थैलोफाइटा में कौन से प्लांट आते हैं, एल्गी आते हैं, और एम्ब्रियो फाइटा में बाकी के ब्रायोफाइट हो गए, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब देखो एल्गी यहां पे पता ही लग रहा है अपने को, एलगी क्या है, थैलोफाइटा है, यानी ना तो इनमें रूट्स है, स्टेम, लीव्स कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल बेसिक से है, थैलोफाइटा है, तो इनके यह है जो गैमेट्स हैं वो भी इनके प्रिमिटिव होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं, यानी यूनिसेलुलर होते हैं, और उनके पास प्रोटेक्शन भी नहीं होती, अनजैकेटेड होते हैं, और इनके गैमेट मल्टी सेलुलर हो गए हैं, एडवांस हो गए हैं, और जैकेटेड प्रोटेक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, अब मियोसिस की बात की जाए तो देखो जाइगोटिक मियोसिस किसमें है, ना एलगी में, एलगी यानी थैलोफाइटा में, यहां पे क्या है, जाइगोट में ही मियोसिस हो गई थी, तो एलगी में क्या है, जाइगोटिक मियोसिस। और आपसे स्पोरिक मियोसिस पूछ लिया जाए तो ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइटा में स्पोरिक मियोसिस होती है, तो इनसे आपसे पूछा नहीं जाएगा वैसे, ना पूछा नहीं जाएगा, स्पोरिक याद रखना और जाइगोटिक याद रखना। अब देखो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि पहली बार किसमें क्या क्या आया, अपने पास प्लांट कौन से हैं, एलगी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। अब आपसे पूछ लिया जाए एम्ब्रियो पहली बार किसमें आया, तो एलगी में तो हमने देखा एम्ब्रियो बना ही नहीं था, जाइगोट में ही मियोसिस हो गई थी, तो पहली बार एम्ब्रियो इसमें आया हुआ। देखो एडवांसमेंट का ना क्या फ्लो है अपना, सबसे पहले सबसे पुराने कौन से, एलगी, उसके बाद आए ब्रायोफाइट, उसके बाद आए टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नो, और सबसे बाद एंजियो, यानी एंजियो सबसे एडवांस है, एलगी सबसे प्रिमिटिव है। ठीक है, अब लाइफ साइकिल की बात करें तो एलगी की लाइफ साइकिल होती है हैप्लोन्टिक, ब्रायो और टेरिडो। देखो ब्रायो और टेरिडो थोड़े भाई भाई से हैं, और जिम्नो और एनजियो थोड़े भाई भाई से, नाम में भी सिमिलैरिटी दिखाई देती है, तो इनकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक, और जिम्नो और एनजियो की डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है। मेन प्लांट बॉडी की बात की जाए तो क्या है, एलगी और ब्रायोफाइट में गेमिटोफाइट होता है मेन प्लांट बॉडी, और क्या है, बाकी सब में स्पोरोफाइट है मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, फर्स्ट टाइम किसमें क्या आया, जाइगोट पहली बार किसमें आया, जाइगोट पहली बार किसमें आया, है ना, एलगी में, देखो तो सब में ही बनता है, ऑब्वियस सी बात है, एम्ब्रियो पहली बार ब्रायो में बना है, एलगी में नहीं बना था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेस्कुलेचर पहली बार किसमें आया, यानी जाइलम फ्लोएम पहली बार कहां दिखाई दिए, तो आपका आंसर होना चाहिए टेरिडोफाइट्स में। आपसे पूछ लिया जाए आरएसएल यानी रूट स्टेम लीव, ट्रू रूट स्टेम लीव पहली बार कहां दिखाई दिए, तो आंसर होना चाहिए टेरिडोफाइट। पहली बार सीड यानी बीज कहां पे दिखाई दिया, जिम्नोस्पर्म में। पहली बार फ्रूट कहां पे दिखाई दिया, एंजियोस्पर्म में, यानी जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्रूट जो है वो अब्सेंट होता है, पहली बार फ्रूट एंजियोस्पर्म में आया था। ठीक है, वो ये ट्रू रूट स्टेम लीव है ना, इसमें अब्सेंट है, इसमें अब्सेंट है, पहली बार किसमें आई थी, टेरिडोफाइट में आई थी, तो इनमें अब प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब बात की जाए मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन की। देखो जिम्नोस्पर्म का ये वाला आपसे नहीं पूछा जाएगा, बाकी आपकी सारी कंफ्यूजन है। देखो एंजियोस्पर्म का तो हम पढ़ते ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो प्लस टू का अपना चैप्टर है उसमें पढ़ते ही हम, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब देखिए मेल वाले चाहे एलगी की बात कर लो, चाहे ब्रायो की बात कर लो, चाहे टेरिडो की बात कर लो, सब में क्या है, एंथ्रीडियम है।
फीमेल की बात करें तो किस किस में सेम है, ब्रायो में सेम है, टेरिडो में सेम है, जिम्नो में सेम है, सब में क्या है, आर्किगोनियम है। एल्गी में यहाँ पे कंफ्यूजन बनती है बस कि ऊगोनियम है, ऊगोनियम है फीमेल सेक्स ऑर्गन एल्गी में, ये थोड़ा अलग यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, अब ब्रायो और टेरिडो में क्या है, कंफ्यूजन होती है कि मेन प्लांट बॉडी क्या है, मेन प्लांट बॉडी इसकी गेमिटोफाइट है, इसकी स्पोरोफाइट है ना। अब डिपेंडेंसी की बात करें तो देखो ब्रायोफाइट में बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही सुपर हिट क्वेश्चन है। देखो ब्रायोफाइट में क्या होता है, स्पोरोफाइट जो होता है ना वो गेमिटोफाइट पे डिपेंड करता है। अब जाहिर सी बात है स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पे डिपेंड कर रहा है, यानी स्पोरोफाइट अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। अब गेमिटोफाइट पे डिपेंड कर रहा है तो गेमिटोफाइट को तो अपना खाना बनाना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। टेरिडोफाइटा में चाहे गेमिटोफाइट हो या स्पोरोफाइट हो, दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट है तो अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा, दोनों को ही अब फोटोसिंथेटिक होती है। ये लाइफ साइकिल है, वही है लाइफ साइकिल तो है ना, जैसे एल्गी की बात कर रहे हैं कि गेमिटोफाइट थे ना, जाइगोट बना, जाइगोट में ही मियोसिस हो गई तो हैप्लोइड स्पोर्स बन जाएंगे। अब ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट में क्या है, देखो ये क्या था अपना, मान लो मेल गेमिट है, फीमेल गेमिट है, फिर क्या बन गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट से क्या बन गया, फिर स्पोरोफाइट बन जाएगा। स्पोरोफाइट में क्या बनेगी, स्पोर मदर सेल बनेगी। स्पोर मदर सेल क्या होती है, डिप्लोइड होती है, और स्पोर मदर सेल के अंदर हमेशा क्या होती है, मियोसिस होती है, तो मियोसिस होगी तो डिप्लोइड से हैप्लोइड क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे। नाम में यार है स्पोर मदर सेल, यानी स्पोर को जन्म देगी। अब ये हैप्लोइड स्पोर ग्रो करेंगे, क्या बना देंगे, गेमिटोफाइट बना देंगे। अब गेमिटोफाइट गेमिट्स को जन्म देंगे, ये अपने ब्रायोफाइट्स थे। टेरिडोफाइट में भी सिमिलर सा है, बस कुछ चीजें ऐड हो गई हैं, कुछ चीजें बीच में कैसे ऐड हो गई हैं, जैसे स्पोरोफाइट के ऊपर स्ट्रोबिली या कोन होते हैं, अब इनके ऊपर स्पोरोफिल होते हैं, अब इनके ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं, और अल्टीमेटली फिर से हम स्पोर मदर सेल पे यहां पे पहुंच जाएंगे। बस ये कुछ चीजें ऐसी ऐड हो गई हैं, जैसे स्ट्रोबिलाई, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, इस तरीके की। ठीक है, बाकी सेम है। जिम्नोस्पर्म में भी पूरा सेम है, बस इसमें क्या हुआ है, जिम्नोस्पर्म में क्या हुआ, देखो अभी तक हम डिवीजन नहीं कर रहे थे कि ना मेल वाला पोर्शन फीमेल वाला पोर्शन, जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल वाला पोर्शन थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। जैसे फीमेल वाले में हर जगह मीगा लगा दो और मेल वाले में माइक्रो लगा दो, जैसे वहां पे खाली क्या था, खाली स्पोरेंजियम था, यहां पे मीगा स्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, वहां पे खाली स्पोर होते थे, यहां मीगा स्पोर माइक्रोस्पोर, वहां पे खाली गेमिटोफाइट होते थे, यहां मीगा गेमिटोफाइट माइक्रो गेमिटोफाइट, इस तरीके से चीजें बनने लग जाती है। एंजियोस्पर्म को तो हम यहां पे पढ़ते ही नहीं, क्योंकि उनके लिए तो चैप्टर ही बहुत सारे हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है, एनाटॉमी वाला चैप्टर है, वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बहुत सारे चैप्टर हैं इसके तो अपने। ठीक है, नेक्स्ट हम लाइफ साइकिल की बात कर ले, तो लाइफ साइकिल किसकी, एल्गी की कैसी होती है, हैप्लोन्टिक होती है, हैप्लोडिप्लोन्टिक किसकी होती है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट की, और डिप्लोन्टिक जिम्नो की और एंजियो की। बट यहां पे कुछ बातों का अपने को ध्यान रखना है, जैसे कि एक्टोकार्पस है, पॉलीसाइफोनिया है, केल्प्स है, ये है क्या, कहने को ये एल्गी है बट लाइफ साइकिल कैसी है इनकी, हैप्लोडिप्लोन्टिक है। ठीक है, फ्यूकस है, एक एल्गी है, होनी कैसी चाहिए, हैप्लोन्टिक, बट इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लोन्टिक होती है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आपके अब बन सकते हैं। नेक्स्ट हम एल्गी की बात करने वाले हैं, तो एल्गी देखो एल्गी क्या है, कॉलोनियल भी हो सकती है, वोल्वोक्स जैसे कि वोल्वोक्स है ना, क्या है, फिलामेंटस भी हो सकती है जैसे कि यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा, मैसिव बॉडी भी हो सकती है जैसे कि कैल्प्स, ये एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, देखो एसोसिएशन ऑफ एल्गी यानी एल्गी के गठबंधन की बात कर रहे हैं, फंजाई के साथ एल्गी के गठबंधन को क्या बोलते हैं, लाइकन बोलते हैं, और एनिमल्स के साथ भी का गठबंधन हो सकता है, और कौन से एनिमल का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्लोथ बियर का दिया हुआ है। अब ये एनसीईआरटी कहा ना, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि रिप्रोडक्शन की बेसिकली बात हो रही है तीन तरीके से, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल। ठीक है, ये अपनी ग्रीन एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, ये रेड एल्गी है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए तो तीनों में ही क्या जाएंगे है ना, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। एसेक्सुअल में क्या होंगे, अपने स्पोर्स आएंगे, बट आपको ध्यान ये बात रखनी है, ध्यान क्या बात रखनी है आपको, कि यहां पे ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी साथ में चलेंगे और रेड एल्गी इनसे अलग चलेगा। अलग कैसे चलेगा, देखो इसमें मोटाइल स्पोर है, इसमें मोटाइल स्पोर है। गेमिट की बात करें सेक्सुअल में, इसमें मोटाइल गेमिट है, इसमें भी मोटाइल गेमिट है, ये अलग से चलेगा। अलग से कैसे चलेगा, इसमें सारी चीजें नॉन मोटाइल आ रही हैं, नॉन मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल गेमिट्स आ रहे हैं। ये अपनी एनसीईआरटी की टेबल है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, टेबल में क्या है अपना, ये तो कॉमन नहीं होंगे। पिगमेंट का देखो सिंपल सी ट्रिक है, ए ए ए तो सब में आएगा, अब ए आ गया सब में, ए बी सी डी मतलब इसमें क्लोरोफिल ए बी, इसमें ए सी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा है ना। अब पिगमेंट की बात करें तो ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में कौन सा पिगमेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है, और रेड एल्गी में कौन सा, फाइको इरिथ्रिन। देखो इरिथ्रो वर्ड होता है, उसका मतलब ही लाल होता है, इरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल। स्टोर्ड फूड की बात करें तो इसमें ग्रीन एल्गी में स्टार्च है, और ब्राउन एल्गी में मैनिटो लेमिनेरिन, और रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च है। इसको थोड़ा ऐसे याद रख लेना, फ्लोरी मतलब फ्लावर, फ्लावर कैसा अच्छा लगता है रेड कलर का, लाल कलर का अच्छा लगता है। सेल वॉल की बात करें तो प्लांट है तो भाई सेलुलोज 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 तो तीनों में आएगा, बट याद रखने लायक बात क्या है कि ब्राउन
एल्गी की सेलबोल में एल्गिन होता है सेलुलोज के साथ, और यहाँ पे पेक्टिन होता है, P4 पेक्टिन, P4 पॉलीसल्फेट एस्टर भी पाए जाते हैं। और नेक्स्ट हम फ्लैजिला की बात करें तो एक बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रेड एल्गी में नॉन मोटाइल चीजें पाई जाती हैं, तो फ्लैजिला तो अब्सेंट ही पाई जाएगी। ग्रीन एल्गी में बात करें तो फ्लैजिला का नंबर 2 से 8 तक हो सकता है, और ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला का नंबर 2 होता है। ठीक है, और कैसी होती है, 2 से 8 होंगी, और सबका साइज कैसा होगा, इक्वल होगा, इसमें दोनों अन इक्वल होंगी। और पोजीशन की बात करें तो ये कैसी होती है, एपिकल पोजीशन पे, ये लेटरल पोजीशन पे। ठीक है, बारी बारी से थोड़ी बात करने वाले हैं ग्रीन एल्गी के बारे में, कौन से क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्लोरोप्लास्ट की शेप इसमें कैसी कैसी हो सकती है, डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, अलग अलग तरीके की हो सकती है, और इसमें पाइरिनोइड बॉडी होती है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, पाइरिनोइड बॉडी कहां होती है, ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में होती है, और इसमें होता क्या है, कंटेन प्रोटीन बेसाइड स्टार्च। नेक्स्ट हम ब्राउन एल्गी की बात करने वाले हैं, ब्राउन एल्गी में है वही है, देखो इसमें वही बातें बताई हुई हैं कि सिंपल भी हो सकती हैं, सिंपल जैसे कि एक्टोकार्पस होगी, सिंपल ब्रांच है, और एक प्रोफ्यूजली ब्रांच मतलब बहुत ही ज्यादा तरीके से ब्रांचिंग हुई है, बहुत मैसिव बन गई है, वो कैल्प है जो 100 मीटर तक फैल सकती है। ठीक है, और इसमें पिगमेंट आपने देख ही लिया है ना, फ्यूकोजेंथिन होता है, उसकी वजह से ना जिस हिसाब का पिगमेंट होगा, जितना पिगमेंट होगा उस हिसाब से उसमें कलर पाए जाएंगे। ठीक है, प्लांट बॉडी में इसमें क्या क्या होता है, होल्ड फास्ट टाइप फ्रंट होता है। ठीक है, अब इस तरीके से थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगा लेना, यहां से थोड़ा सा बेसिक, देखो ऐसे है, मान लो कोई चीज एक ऐसे है, ऐसे इस तरीके से बेसिक आइडिया लगाना है कि ये है जमीन से जुड़ा हुआ है, ये होल्ड फास्ट है, ये स्टाइप हो गया, और ये फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, इसमें एसेक्सुअल स्पोर एंड गेमीट जो होते हैं वो पियर शेप होते हैं। ठीक है, ब्राउन एल्गी में एसेक्सुअल स्पोर एंड गेमीट की शेप कैसी होती है, पियर शेप होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। रेड एल्गी की बात करें तो पिगमेंट तो हम देख चुके हैं, फाइकोएरिथ्रिन होते हैं, और एक इसमें सुपर हिट क्वेश्चन पाया जाता है कि ग्रेट डेप्थ यानी समुद्र की गहराइयों में रेड एल्गी पाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन बनने लायक बात एक ये वाली लाइन है कि ऐसे पूछ ले जाएंगे कॉम्प्लेक्स, है ना, ये वाली लाइन तो है ही है, इसके साथ एक है एनसीईआरटी लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट किसमें पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट किसमें पाए जाते हैं, रेड एल्गी में पाए जाते हैं, ये याद रखना है ना। इस तरीके की आ जाए कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, या एक और लाइन है ना मैंने अभी अभी बताई आपको, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो क्या आंसर जाएगा, रेड एल्गी आएगा। नॉन मोटाइल गैमेट किसमें होते हैं, रेड एल्गी में होते हैं, है ना, नॉन मोटाइल स्पोर किसमें, रेड एल्गी में, तो इन सारों में क्या है, रेड एल्गी का आंसर जाएगा। ठीक है, अब देखो एक वो हमने देखा था कि रेड एल्गी में जो स्टोर्ड फूड होता है वो कौन सा होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च, है ना, रेड कलर का फ्लावर मैंने बताया था। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि फ्लोरिडियन स्टार्च की स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होती है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के सिमिलर होती है। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है ना, ये अपना वॉलबॉक्स हो जाएगा, डायग्राम की वीडियो आएगी, टाटा टाटा टा। ठीक, नेक्स्ट हम यूज ऑफ एल्गी की बात कर रहे हैं तो एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी, तो CO2 को फिक्स करेगी और ऑक्सीजन देगी हमें, सीधी सी बात है। ठीक है, और क्या है, फूड मतलब इनको एक्वाटिक एनिमल्स जो है इनको खाते भी हैं, और फूड के लिए कौन सी यूज होती है, जैसे कि पोरफायरा हो गया, लेमिनेरिया, सार्गेसम फूड के लिए यूज होती है। अगर से देखो, अगर जो अपने को कहां से मिलता है, कौन सी एल्गी से, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया से मिलता है ना, और किस काम आता है, वो आइसक्रीम और जेलीज बनाने के काम आता है। हाइड्रोकोलोइड्स कहां से मिलते हैं, हाइड्रोकोलोइड का पहले मतलब समझते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस ये होते हैं, कहां से मिलते हैं, एल्गिन एंड कैरेजिनिन से। एल्गिन एक ब्राउन एल्गी है, कैरेजिन एक रेड एल्गी है, और क्लोरेला जो एल्गी है, क्लोरेला प्रोटीन रिच होती है, क्लोरेला में बहुत बढ़िया प्रोटीन होता है, और स्पेस ट्रैवलर यानी स्पेस में जाने वाले लोग इसका यूज करते हैं। अब देखो एक कंडीशन होती है आइसोगेमस, है ना, नाम से ही पता लग रहा है, आइसो मतलब सेम, है ना, गेमस मतलब गैमेट मतलब सिमिलर साइज के गैमेट, अनआइसो मतलब डिसिमिलर साइज के गैमेट। ऊगेमस मतलब क्या है, इसमें फीमेल गैमेट जो होता है वो बड़ा होता है, मेल गैमेट छोटा होता है, और क्या है, मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, ह्यूमन का एग्जांपल ले लेना। ठीक है, अब यहां पे भी ना रेड एल्गी यहां पे अलग प्रदर्शन करेगी, मैंने बोला था ना रेड एल्गी इन दोनों से अलग प्रदर्शन दिखाती है, ग्रीन या ब्राउन में तीनों प्रेजेंट हो सकती है कंडीशन, आइसो भी, अनआइसो भी, ओबी, और ब्राउन में भी तीनों हो सकती है बिल्कुल सिमिलर। इस तरीके से रेड एल्गी में सिर्फ और सिर्फ ऊगेमस कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो इसमें क्या क्या आते हैं, मॉस आते हैं एंड लीवरवर्ट्स आते हैं, और इनको एम्फीबियंस बोला जाता है प्लांट किंगडम का, क्योंकि वही है, ये मिट्टी और पानी के दोनों का खेल, है ना, जमीन और पानी दोनों का खेल खेल सकते हैं।
ठीक है। और ये वही कुछ है, थ्योरेटिकल बातें लिखी हुई हैं कि इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट सक्सेशन में, है ना। और ये ट्रू रूट स्टेम लीव वाली बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इनमें अब्सेंट होती है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने लायक बात क्या है, ये वही थ्योरेटिकल सी लाइन है, ठीक है। और ये है क्वेश्चन पूछे जाने लायक जो बहुत बार पूछा जाता है, स्फेग्नम। अब स्फेग्नम क्या है, प्रोवाइड पीट, है ना, और इसका यूज कैसे होता है, फ्यूल की तरह इसका यूज भी हो सकता है। और क्या ये पैकेजिंग मटेरियल, देखो इसकी जो वॉटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो बहुत बढ़िया है। अब वॉटर को होल्ड कर सकता है तो क्या करते हैं, मान लो कोई जहाज यहां से यहां जा रहा है, पानी का जहाज है और 6 महीने में पहुंचेगा, है ना। अब 6 महीने में मान लो उस जहाज में हम बहुत महंगे महंगे पौधे भेज रहे हैं तो उनको पानी तो चाहिए, तो हम स्फैग्नम वहां लगा देंगे, ये वॉटर को धीरे धीरे वहां पे, है ना, करता रहेगा रिलीज, है ना, ट्रांसशिपमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लीवर वर्ड्स की। लीवर वर्ड से क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन क्या बनते हैं इसमें, एक तो गैमी का क्वेश्चन बनता है। गैमी के लिए ट्रिक बताता हूं, G4 क्या है, ग्रीन होते हैं, M4 क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं, और A4 क्या है, एसेक्सुअल होते हैं, बात खत्म है, ठीक है। ये लीवर वर्ड्स में पाए जाते हैं। अब देखो जो ये अपने को दो पढ़ने हैं ब्रायोफाइट में, एक लीवर वर्ड पढ़ने हैं, एक मोस्ट पढ़ने हैं, तो दोनों के दोनों में क्या होंगे, फूट, सेटा, कैप्सूल, ये दोनों में होंगे, ठीक है। और कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। और मोस में भी ये चीजें होंगी, फूट, सेटा, कैप्सूल, बस मोस में क्या होता है, ये जो फूट, सेटा, कैप्सूल है ना, ज्यादा एडवांस होते हैं, और जो स्पोर का डिस्पर्जल है ये भी ज्यादा एडवांस होते हैं। और मोस में क्या है, प्रोटोनिमा की फॉर्मेशन भी होती है, प्रोटोनिमा की, ये अपना प्रोटोनिमा कन्फ्यूज मत होना, एक होता है प्रोथेलस, एक होता है प्रोटोनिमा। प्रोथेलस क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट का जो गेमिटोफाइट होता है उसको हम प्रोथेलस बोलते हैं, और प्रोटोनिमा मोस के अंदर बनता है, ठीक है। अब टेरिडोफाइट में क्या क्या आते हैं, होस्टेल सेंस बन जाए ना, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाने लायक बात मैं आपको बता दूंगा, है ना, मेडिसिन में यूज होता है, यहां यूज होता है, वहां यूज होता है, इसमें से कुछ खास ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन ऑफ टेरिडोफाइट है थोड़ी सी, है ना, स्ट्रोबिलो और कौनस किस में बनते हैं, सिलेजिना एक्विसिटम में। मैक्रोफिल कौन से हैं, ये थोड़ा उल्टा हो गया है, मैक्रोफिल फर्न में होते हैं और माइक्रोफिल सिलेजिना होते हैं। होमोस्पोरस कौन से, मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स, और हेट्रोस्पोरस कौन से, सिलेजिना एंड साल्वेनिया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पार्शियल, ये है पार्शियल एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट कहां पे होती है, तो P4 क्या होता है, पार्शियल होता है, P4 क्या होता है, टेरिडोफाइट होता है। पार्शियल एंडोस्पोरिक क्या है कि प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट कहां पे दिखाई दी थी, टेरिडोफाइट्स में दिखाई देगी, वही बातें यहां पे लिखी हुई हैं, सीड हैबिट, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, ये डायग्राम है इसके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। देखो जिम्नोस्पर्म के बारे में एनसीईआरटी में इसी तरीके से लिखा हुआ है ना, बड़ा बोरिंग तरीके से लिखा हुआ है, पर मैंने इस तरीके से लिखा है। पहले हम क्या करेंगे, जिम्नोस्पर्म की स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, फिर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कोन के बारे में देखेंगे, फिर क्या है उसकी लीव्स के बारे में देखेंगे। तो स्टेम कैसी हो सकती है जिम्नोस्पर्म की, अनब्रांच भी हो सकती है जो कि साइकस में होती है, ब्रांच भी हो सकती है जो पाइनस और सेड्रस में होती है, और ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी गई है, किसी भी टाइम आप चेक कर सकते हो। रूट्स कैसी होती है, टैप रूट्स होती है, और क्या रूट्स के रिलेटेड दो चीजें याद रखनी है कि माइकोराइजा की फॉर्मेशन होती है ना, पाइनस है, पाइनस की क्या है, रूट्स के अंदर फंजाई के साथ क्या हो जाता है, गठबंधन हो जाता है और माइकोराइजा की फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना। और कोरोलोइड रूट होती है ना, अब यहां पे ट्रिक देखो, C4 कोरोलोइड, C4 साइकस, यानी कोरोलोइड रूट किस में होती है, साइकस में होती है। इनका फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिलेटेड इनका फंक्शन है। अब देखो मेल कोन एंड फीमेल कोन अगर सेम, एक ही पेड़ पे मेल कोन भी है फीमेल कोन भी है, तो वो किस में होता है, पाइनस में होता है, ठीक है, एक तरीके से बायसेक्सुअल कंडीशन। और क्या है, मेल अलग पेड़ पे है और फीमेल अलग पेड़ पे है ना, एक तरीके से यूनिसेक्सुअल कंडीशन, तो ये साइकस में होता है। लीव्स की बात करें तो, है ना, लीव्स कैसी कैसी हो सकती है, इसमें सिंपल या कंपाउंड लीव होती है, ठीक है। और क्या साइकस में कैसी होती है, पिन्नेट लीव होती है, एनसीईआरटी में ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है, साइकस में पिन्नेट लीव, ठीक है। अब यहां पे एक चीज अगर मैं आपको बोल दूं कि जिम्नोस्पर्म की लीव ऐसी होती है कि उनको क्या बचाना है, पानी बचाना है, पानी उनको बचाना है, तो ये सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगी। पानी बचाना है तो क्या होगा, देखो क्या होगा, उनकी जैसे लीव मान लो ऐसी है, किसी की लीव, अगर मैं इस लीव को मॉडिफाई करके कुछ ऐसी कर दूं, कुछ पैनी नीडल लाइक कर दूं, तो इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो पानी बच जाएगा। और क्या है, अगर मैं उसके ऊपर थिक क्यूटिकल लगा दूं, तो क्यूटिकल लगा देंगे तो पानी का लॉस कम होगा। स्टोमेटा डीप कर दूं अगर, है ना, लीव के डीप कर दूं, ऊपर ऊपर स्टोमेटा होंगे तो जल्दी पानी उड़ेगा, डीप होगा तो कम उड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना प्लांट किंगडम का सुपर फास्ट रिवीजन कंप्लीट हुआ, है ना। और इसके एग्जांपल यहां पे मैं यहीं पे बता दूं आपको, जो भी एग्जांपल है उसकी ट्रिक ऑलरेडी अवेलेबल है, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे लिखा करो प्लांट किंगडम ट्रिक, है ना, प्लांट किंगडम ट्रिक या एनिमल किंगडम ट्रिक, कोई भी ट्रिक लिखो, है ना, बाई KV एजुकेशन आपके सामने आ जाएंगी, सारी ट्रिक्स हैं अवेलेबल हैं, सबके एग्जाम्पल्स को याद कराया हुआ है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।